जी, बहुत ही अच्छे से नींद आई है हमारे को कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ की वादियों ने हमारा तहे दिल से स्वागत किया, इसीलिए अच्छी से नींद आई, अच्छे से सो गए थे, अच्छे से ब्लॉग एडिट किया और अच्छे से ब्लॉग अपलोड भी कर दिया। और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दे दिया और बहुत सारे लोगों ने बोला कि यस सर, आपने बोला सब्सक्राइब करने की, तो याद आया कि हमारे को सब्सक्राइब भी करना होता है। थैंक यू इन लोगों ने नहीं किया, वो भी करके जाना। अभी तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमने दिल पर नहीं लेंगे, पर करके जाना, ठीक है। और हम कुंभलगढ़ में रुके हुए हैं, कुंभलगढ़ वैली रिसोर्ट में। बहुत ही प्यारा रिसोर्ट है, आपने देखा परिंदा जब ऊपर से गया तो क्या खूबसूरती से वापस आया। मतलब मैं कल रात से वो फील तो कर पा रहा था पर आपको दिखा नहीं पा रहा था। 5 बजे से उठ के मॉर्निंग देख रहा हूँ सामने, धीरे धीरे हो रही है, फिर मैं आलसी हो गया, फिर मैं वापस हो गया। जब आपको कंफर्ट जोन मिलता है तो नींद ना चाहते हुए भी आ जाती है। आप जानते हो कि हम माउंट आबू में टेंट में रुके हुए थे, यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी है, तो दोनों जगह का फील अलग अलग था। तो वहाँ पर हमने उस जगह का फील किया, यहाँ पर आके हमको थोड़ा सा कोजी सा माहौल मिला, तो हमने उस कोजीनेस का पूरा फ़ायदा उठाया। मतलब हम पूरे बेड पर लोटपोट उतरे। और जब हम इतनी तारीफ़ कर रहे हैं ये लोकेशन की, ये कोजीनेस की, तो आपको दिखाना तो बनता है कि हम हैं कहाँ पर। आई नो ऊपर से अलग फील था बट यहाँ से आपको अलग मज़ा आएगा। कैसे है कि एक एक जो घर है, मैं इसको घर कहूँगा क्योंकि एक एक जो रूम बनाया गया उसको इस तरीके से बनाया गया कि सबका अपना अपना पोर्शन है, तो वो फील अलग है। जैसे अपना अपना ताजमहल वो है, ठीक है। यहाँ पर वैसे कल जब रात को आया था तो एक कपल रुका हुआ था, अभी सिर्फ यारांदा ही राज गए थे, समझ रहे हो। वैसे आप अगर पूल साइड का एंजॉय करना चाहें तो पूल साइड का भी एंजॉय कर सकते हैं, पर रात को काफ़ी ठंडी हो जाती है माउंट आबू में और यहाँ पर कुंभलगढ़ में। दोनों जगह का मौसम ऐसा है कि शाम को ठंडी है। अभी मेरे को लगता है और 10-15 दिन तक यहाँ पर दिन में भी ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। मेरा मानना है कि नवंबर में अगर आप कुंभलगढ़ आते हैं, वैसे तो पूरे साल ही होएगा क्योंकि ऐसी वादियों में कभी भी कहीं पर भी आ सकते हैं, बट नवंबर आई थिंक बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ पर आने का। और अब हम जा रहे हैं कुंभलगढ़ फोर्ट के। टिकट खुद लो जी, यहाँ पर आके कितने की है टिकट? 35 की टिकट है, ये बार कोड लगा दिया है। वैसे आप ट्राई करो कि टिकट ऑनलाइन घर से ही बुक करके आओ, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर नेटवर्क का इशू रहता है और कभी कभी वो कोड लेता नहीं है, तो मैं भी बाहर जाके फिर नेटवर्क से करके आया। देखो जी ये कैंटीन के इधर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, ये गणेश जी का मंदिर, इधर शिव जी भोले का मंदिर है और सबसे ऊपर जाके है फोर्ट। तो सबसे पहले हमने क्या सोचा कि सबसे पहले जाते हैं शिवजी भोले का मंदिर, उसके बाद सीधा फोर्ट पर जाएंगे, क्योंकि टाइम बचाना है तो हमारे को जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। क्या है कि हमने कैलकुलेशन लगा लिया कि अगर हम यहाँ पर चिल करते रहे तो ऊपर जाने का जो फील है, जो लाइट आने वाली है, अभी गोल्डन आवर्स शुरू होने वाले हैं, वो चला जाएगा। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि पहले ऊपर जाते हैं, जो मेन जगह है जिसकी वजह से हम कुंभलगढ़ आए हैं, और अगर वो नहीं देख पाए तो फिर फायदा क्या। हाँ देखो जी, पिछले ना आधे घंटे से मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई इधर का इतिहास बता दे, हमारे को तो नहीं पता लगा, बाबू जी को पता है। बाबू जी आपका नाम क्या, पहले तो ये बता। मेरा नाम मोहन है सर। मोहन जी, तो यहाँ पर आप कितना टाइम से पानी पिला रहे हो? 18 साल हो गया सर। 18 साल से आप यहीं हो? यहीं सर, यहीं है, पानी पिला रहे हो। तो आपके सामने तो बहुत कुछ बदलाव आएगा यहाँ पर। हाँ जी, है ना जी सर। तो पहले 18 साल पहले से लोग बहुत आते थे यहाँ पर, या अभी ज्यादा आने लग गए? अभी ज्यादा पता लग गया लोगों को। हाँ, पता लग गया सर। तो इस किले का इतिहास है क्या? इतिहास है यही सर, यहाँ पहली राजा महाराणा कुंभा। अच्छा जी,
इनके बाद में महाराणा फतेह सिंह जी। अच्छा ठीक है जी। इनके बाद में चित्तौड़ एरिया बड़ा का आया महाराणा उदय सिंह यहाँ आया था। अच्छा फिर इनका बेटा पैदा हुआ महाराणा प्रताप। ओके फिर यहाँ से उदय सिंह चले गए उदयपुर। ओके वहाँ गए उदयपुर बसाया सिटी पलाश। इनकी 37 किलोमीटर की बाउंड्री है। ओके ठीक है जी। ये छोटी बाउंड्री किले की अलग है। इसमें 300 लगभग मंदिर है। इनका महाराणा प्रताप का जन्म हुआ ऊपर। आप एक बात बताओ, आप जब बैठना शुरू हुए थे, आप तो बहुत जवान होते हो जी तो आप जब यहाँ पर बैठने शुरू हुए थे तो आपकी शादी हो गई थी उसके बाद हुई है शादी? नहीं पहले हो गए। पहले शादी हो बार बार ठीक। कितने बच्चे आपके? जी बच्चे 3 है। 3 बच्चे ठीक है जी। धन्यवाद आपने इतना बताया हमारे। जी शुक्रिया जी। देखो जी बड़ी हिम्मत करके हम ऊपर पहुंचे हैं क्योंकि महाराणा प्रताप जी ने जो ये बनाया है ना, ये कभी हम इधर वाली सीढ़ियों पे घुस गए कभी उधर वाली सीढ़ियों पे घुस गए। ये बेचारे 3 जने थे, ये लोकल हैं, फिर भी इनको रास्ता नहीं मिल रहा था। बताओ ड्रोन उड़ाते हैं, कुल मिला के कैलकुलेशन यही है, परिंदा उड़ेगा तभी मज़ा आएगा। जिस टाइम के लिए हम यहाँ पर आए थे ना कि गोल्डन आवर चल रहे होंगे, वो चल रहे हैं और बहुत ही अच्छी लाइट आ रही है। खूबसूरत खूबसूरत हो रखा है जी मौसम। बस गड़बड़ एक ही है कि हम यहाँ पर ड्रोन नहीं उड़ा सकते। ड्रोन उड़ाया था, उन्होंने बोला कि ऐसे अलाउड नहीं है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत है। तो ये है जी कुंभा महल, जो महाराणा प्रताप जी की कुल देवी थी ना उनका मंदिर है। अभी बंद हो गया क्योंकि हम लेट हो गए। कुंभलगढ़ का फोर्ट है, यानी कि कुंभलगढ़ का जो किला है, यहाँ पर मूवी की शूटिंग भी हुई थी, प्रेम रतन धन पायो, सल्लू भाई की पिक्चर थी। ओके उनको तो ड्रोन शॉट भी लेने दिया होगा, हमारे को नहीं लेने दिया, पर हमने चोरी छुपे एक ड्रोन शॉट तो ले लिया है कर दिया हमने काम। तो ठीक है, गोल्डन आवर्स थे, फोटोज अच्छी नहीं आई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती रही और थोड़ी भीड़ थी। बाकी है, एक बार अगर आप कुंभलगढ़ आते हो तो ये फोर्ट जरूर देख के जाओ क्योंकि आओगे, हिस्ट्री है, लाइट अच्छी है, लोग कम है। आप अगर फोटो लेना चाहो, अगर आपके साथ कोई है जो फोटो खींच सके तो आप जरूर आइएगा। बाकी तो महाराणा प्रताप जी ने खर्चा तो बहुत किया है, बहुत महंगा बनाया है। और मेरे को समझ नहीं आता, पहले वाले लोग इतना बड़े बड़े बना देते थे, अब तो बनते नहीं बिल्डिंगें, क्या फ़ायदा है ऐसे इंटीरियर तो मशीनों का जमाना है ना। हाँ, मशीनों से ऐसी ऐसे नहीं महल बन पा रहे, सड़कें नहीं बन पा रही, सड़कें एक साल बाद टूट जाती हैं। इनकी बनाई हुई 500 साल हो गए, आज तक नहीं टूटी है। शर्म करो दोस्तों, शर्म करो। 35 रुपये की टिकट लगती है, आज तक मेंटेन कर रखा है। तुम 1000 रुपये का टैक्स लेते हो, सड़क नहीं मेंटेन हो रही तुमसे। थू है तुम पे, तुम्हारी मेरे को शक्ल ही नहीं पसंद आई। अथू ये जो दीवार दिख रही है ना, ये 38 किलोमीटर लंबी फैली हुई है बाहर बाहर की दीवार, ताकि अंदर कोई ना घुस सके। चाइना की तो बाद में बनी, ये उससे भी पहले बनी हुई, यानी कि उस टाइम पे ये पहले नंबर की थी। हमारे इंडिया का कॉपी मार लिया चाइना ने, समझ रहे हो इस बात को? केस कर देंगे चाइना पे, वायरस भी दे रहा है, हमारी दीवारें भी कॉपी कर रहा है। दिस इज नॉट फेयर ब्रो, ऐसे नहीं चलेगा। हमारी दीवार सबसे ऊंची, एक नंबर पे हम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय जवान जय किसान। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेज तो है नहीं, हम ही हैं। ओके वायरस भारत छोड़ो। हमारे साथ ना एक घटना और दुर्घटना हो गई है कि सड़क बहुत ख़राब थी तो वहाँ पर ना गाड़ी पे पत्थर लगा। तो ये देखो जो लेग गार्ड से गियर बदलने वाला सिस्टम, इसमें गड़बड़ हो गई है कुछ, ये पूरा आ गया नीचे। तो अपने को ये भी देखना है कि कहीं पर यह सही हो जाए क्योंकि सिस्टम ख़राब हो गया है। और अपने को कल निकलना है तो इसको सही कराना पड़ेगा, या तो यहाँ पर नहीं तो शहर में जाके क्या होएगा सीन। अभी तक ये थोड़ी सी गड़बड़ है। वीडियो बना हुई हूं, थोड़ा पटकता था। हाँ पढ़ो तो हाँ जी, डर जा मत, पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। मातो से नहीं, अभी दे थोड़ा। मैं बता रहा हूँ कि आप अगर सोचते हो कि सब जगह पैसे से काम होता, पैसे से काम नहीं होता। मैंने इनको पैसे देने लगा कि थैंक यू बोल के कि हमारी बाइक का आपने सही कर दी। कह रहे मैंने क्या किया, दो हथौड़े तुम्हारे। मैं कहा नहीं जी पैसे ले लो। कह रहे नहीं ले, ऐसे लेके जाओ आप। तो मैं कह रहा हूँ अभी है, लोग जिंदा है, हर जगह वैसा नहीं सोचते।
वेलकम। बाइक हो गई जी हमारी ठीक, चकाचक ब्रेक भी टाइट कर दी गई है। तक चढ़ गयो हाथी पर अरमान सिंह घबराए, अरे बालो फेंक्यो महाराणा जद ओजो टूटो जाए, ओ रण में घमासान मचवाए, रण सु बेरी भाग्या जाए, राणा सुनताई जा जो जी, मेवाड़ी राणा सुनताई जा जो जी। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, तालियां तालियों से स्वागत किया जाए, टैलेंटेड।